नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। आज 17 जनवरी 2018 है। इस वीडियो में हम 17 जनवरी 2018 के द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ प्लस PIB प्लस AIR न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जिसमें मैंने पूछा था कि यूरिया की बैग का वेट कितना, पहले कितना था और अब कितना होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पहले ये यूरिया की बैग का वेट हुआ करता था, मतलब अब भी है 50 kg पर बैग। बट देखिए, बहुत जल्दी हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि एक्सेसिव यूरिया जो कंज्यूम करते हैं फार्मर, मतलब एक्सेसिव यूरिया का यूज़ करते हैं अपने फील्ड में अपने क्रॉप के लिए, तो इसे एक रिड्यूस करने के लिए इस बैग का वेट 45 kg किया जाएगा। अब आप कहेंगे इससे क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब फार्मर जनरली जो एग्रीकल्चर में हमारे जो फार्मर है ये जिस तरह से इसका यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का, तो ये कंसिडर वेट को नहीं करते, ये कंसिडर बैग को करते हैं। ये कंसिडर करते हैं कि चलिए इसमें 3 बैग डालनी है, 5 बैग डालनी है, 2 बैग डालनी है, इस तरीके से। तो गवर्नमेंट ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि हर बैग में से हम 5 किलो वेट कम किया जाए तो ऑटोमेटिकली उसमें काफ़ी कुछ फर्टिलाइज़र कम किया जा सकता है। और देखिए, जितना फर्टिलाइज़र अप्लाई किया जाता है एग्रीकल्चर में, एक्चुअली उतनी की ज़रूरत होती ही नहीं। इसीलिए तो हमारी गवर्नमेंट ने सॉइल हेल्थ कार्ड जो इंट्रोड्यूस किया है, ये इसी डायरेक्शन पे काम करता है। ये फार्मर्स को बताता है कि कितने एक्चुअल कितने न्यूट्रिएंट की, मतलब कितने फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है उनके फील्ड को। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि सभी पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने एक टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल बनाया है। जो कोई भी इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री PDF प्लस फ्री टेस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप किसी ऐसे को जानते हो जो कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म कीजिए, ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। फर्स्ट आर्टिकल जिसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, यह आर्टिकल PDF सिस्टम पर लिखा हुआ है। राइटर कहते हैं कि हमारे राज्यों ने PDF में काफ़ी रिफॉर्म लाने की कोशिश की है, बट फिर भी दोस्तों जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसने लोगों का हर्ट ही किया है, इसने लोगों के दिल ही दुखाए हैं। 3 पॉइंट के आधार पर ही अपनी बात रखते हैं दोस्तों। पहले ये कहते हैं बायोमेट्रिक्स मिक्सअप, फिर ये कैश रूट पे आते हैं, और ये फिर कहते हैं बियॉन्ड झारखंड। ये झारखंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारा ये जो आर्टिकल है ये झारखंड पर ही लिखा हुआ है, मतलब इस आर्टिकल ने झारखंड को ये फोकस किया है। तो कुछ पॉइंट हम इस आर्टिकल में से डिस्कस करेंगे और फिर सीधा जंप कर जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, PDF की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़रूरी है हमारे कंट्री में, बिकॉज अगर आप जानते हो कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन का जो कंसेप्ट है इसके अंडर काफ़ी लोग आते हैं हमारे देश में। बट देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने रिसेंट कुछ चेंजेस किए हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में और बायोमेट्रिक सिस्टम का यूज़ किया है। बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिकेशन होता है आधार के सहारे, उसका इस्तेमाल किया है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। देखिए दोस्तों, इसके वजह से काफ़ी नुकसान देखने को मिला है, यूँ कहे कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये अच्छे नहीं देखने को मिले उन लोगों पे जो लोग निर्भर करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर डायरेक्टली। तो चलिए इसी पे बात करते हैं। ये कहते हैं बायोमेट्रिक मिक्सअप। ये झारखंड की बात करते हैं, कहते हैं झारखंड ने काफ़ी अच्छा काम किया है, झारखंड ने छत्तीसगढ़ से काफ़ी कुछ सीखा है, या हम यूँ कहें कि झारखंड ने उन्हें अच्छी तरीके से फॉलो किया है। बिकॉज जो छत्तीसगढ़ एक अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों PDF का, वहाँ पर PDF अच्छे से इम्प्लीमेंट की गई है। बाद में ये कहते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट था उसके तहत भी झारखंड में अच्छा काम हुआ है, बट फिर ये क्या कहते हैं कि झारखंड ने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये सभी के लिए कंपलसरी कर दिया। और जब इन्होंने ये सभी के लिए कंपलसरी किया दोस्तों, तभी से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम ऐसे स्टार्ट हुई, देखिए काफ़ी लोगों ने आधार के लिए इनरोल नहीं किया था, तो उन लोगों को ये मिलना बंद हो गया। फिर क्या होता है, जिन लोगों ने इनरोल भी कर रखा है तो अगर ये सिस्टम उन्हें रिकग्नाइज नहीं करता है, या मतलब उनके जो थंब होते हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इन्हें ये प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इन्हें राशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ऐसा एक एग्जांपल, मतलब ऐसा ही किस्सा हमें देखने को मिला था दोस्तों, जहाँ पे राशन ना मिलने की वजह से डेथ हो जाती है एक फैमिली में किसी की। ये काफ़ी दिल दहला देने वाली बातें हैं। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने काफ़ी
राशन कार्ड्स को भी कैंसिल किया, और यहाँ तक के न्यूज़ आई कि 11 लाख राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया है कि वो फेक राशन कार्ड थे। बट राइटर कहते हैं कि देखिए वो फेक राशन कार्ड भी नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जितने काफ़ी लोग जिन्होंने अपना आधार लिंक नहीं कराया था अपने राशन कार्ड से, वैसे राशन कार्ड भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके की बातें भी ये आर्टिकल कहता है दोस्तों। ये आर्टिकल कहता है कि देखिए बायोमेट्रिक के इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी समस्या है, अगर हम ज़मीन पे इसकी हकीकत देखें तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में जो सिस्टम है ये भी इतना बेहतर नहीं है, बहुत जगह पे प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, और इस वजह से लोगों को जो सर्विसेज दी जानी चाहिए वो उन्हें अच्छे से डिलीवर नहीं की जाती है। तो देखिए दोस्तों, हमने कल भी बात की थी कि आधार हमने जिसलिए इंट्रोड्यूस किया है कहीं ऐसा ना हो जाए ये उसके विपरीत ही काम करने लगे। इसीलिए देखिए अभी वर्चुअल आईडी और साथ साथ में देखिए फेस ऑथेंटिकेशन की भी बात की जा रही है, फेस रिकॉग्नाइजिंग ऑथेंटिकेशन सिस्टम की भी बात की जा रही है आधार में। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखिए बायोमेट्रिक का यूज़ करके जिस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है ये प्रॉपरली नहीं हो रही है, और ये बार बार ये बात साबित हुई है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए ये अब नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की। ये कहते हैं देखिए इसने भी काफ़ी समस्या खड़ी कर दी है। ये कहते हैं कि पहले जब जो लोग हुआ करते थे जो PDS के सिस्टम के अंडर आते हैं ये सीधा सीधा राशन के दुकान पर जाके जो इन्हें लेना था वो दुकानदार से ले सकते थे, बट अब यह प्रॉब्लम क्या हो गई है, अब इन्हें डिपेंड करना पड़ता है इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पे। और इसके लिए देखिए इन्हें बैंक, प्रज्ञा केंद्र और राशन शॉप यहाँ लाइन लगानी पड़ती है, यहाँ पर समय भी ज़्यादा जाता है। और देखिए दोस्तों ये काफ़ी लेंदी भी प्रोसेस है, यह यूँ कह के थका देने वाला ये एक तरीके का काम है। ये कुछ लोग तो कर लेते हैं बट जो लोग एज ओल्ड है जिनकी उम्र है ये लोग नहीं कर पाते, जो डिसेबल्ड है इन्हें काफ़ी समस्या आती है, ये इनकी मोबिलिटी में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अगर हम बैंक जाते हैं तो वहाँ हमें लंबी लाइन नज़र आती है, अगर हम प्रज्ञा केंद्र जाते हैं तो वहाँ हमें लंबी लाइन नज़र आती है, अगर हम राशन के शॉप में भी जाते हैं राशन के दुकान में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक लंबी क्यू नज़र आती है। तो इस तरीके से देखिए काफ़ी समस्या इसने डायरेक्ट कैश बेनिफिट मतलब DBT जो है इसने भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब देखिए पहले जब 1 रुपये किलोग्राम के मतलब 1 रुपये के रेट से अगर उन्हें अनाज मिलता था तो अब उन्हें 32 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसके लिए पहले उन्हें सब्सिडी मिलने का भी इंतज़ार करना पड़ता है, जब उनके खाते में सब्सिडी आ जाती है तब वो प्रज्ञा केंद्र जाते हैं या फिर मतलब सब्सिडी पे काफ़ी कुछ अब डिपेंड करने लगा है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट ये बात करते हैं बैंक अकाउंट की भी, कि देखिए अगर प्रॉपरली राशन कार्ड जिसके नाम से है बैंक अकाउंट भी अगर उसके नाम से ना हो तो देखिए इसमें काफ़ी कुछ समस्या है जिसके और ध्यान देने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट ने नेक्स्ट एक्शन लेने से पहले इन सभी बातों पे सोचना चाहिए, सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। आधार अच्छे के लिए लाया गया था दोस्तों, और इससे अच्छा ही किया जाना चाहिए, इन सब बातों को किया जाना चाहिए। देखिए ये कहते हैं कि झारखंड के जिस डिस्ट्रिक्ट में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था दोस्तों उस डिस्ट्रिक्ट में इसने अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया, बट ऐसा कंसिडर किया गया कि ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है और इसी के बेस पे आगे काम फॉरवर्ड किया गया। ये यू कहे कि ये आगे चले गए और इन्होंने आगे भी इसे ये करा, बट अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बियॉन्ड झारखंड मतलब झारखंड के बाहर भी जो हमारे दूसरे स्टेट है वहाँ पर भी इस प्रणाली का यूज़ किया जाए। बट देखिए बार बार ये साबित हुआ है कि ये प्रणाली काम प्रॉपरली नहीं करती है, राजस्थान में भी ऐसा देखने को मिला है। ये कभी कभी क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है उस पर्सन को, बायोमेट्रिक काम ही नहीं करता है। अगर बायोमेट्रिक काम नहीं करता है तो दुकानदार भी ऐसे कंडीशन में उन्हें किस तरीके से देंगे, वो नहीं दे सकते। वो चाहते हैं कि वो देना चाहते हैं बट वो नहीं दे सकते, बिकॉज ये रूल ही ये कहता है कि अगर प्रॉपरली जिसका बायोमेट्रिक होगा मतलब सिस्टम ही इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें करप्शन को अवॉइड किया जा सके, बट सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, सिस्टम की ये भी एक समस्या है। तो देखिए इन सब डायरेक्शन में गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है, और ये कहते हैं कि अगर झारखंड के आगे जाना है मतलब जिस तरीके की समस्या झारखंड ने फेस की है इस बायोमेट्रिक और DBT के वजह से, ऐसे दूसरे राज्य भी ना फेस करें, इसलिए भी गवर्नमेंट मतलब आगे जाने से पहले काफ़ी सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, वरना देखिए जनता की फूड सिक्योरिटी की बात है यहाँ पर और अनाज है तो सब कुछ है दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ आती है वाटर स्कैरिटी से रिलेटेड, पानी की कमी के कारण जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है इसमें 2013-14 में ऐसा कुछ देखने को मिला कि इस पर काफ़ी फ़र्क गिरा दोस्तों पानी के शॉर्टेज की वजह से। तो ये एक न्यूज़ आई हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं,
देखिए ये काफ़ी चौंका देने वाला सर्वे सामने आया है, और ऐसे सर्वे आए दिन आते ही रहते हैं। अगर कुछ पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने भी एक सर्वे प्रकाशित किया था, जिसमें उसने कहा था कि क्लास टू मतलब क्लास फाइव के बच्चे क्लास टू की बुक नहीं पढ़ सकते, क्लास सेवन के बच्चे क्लास फाइव के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, इस तरीके की बातें सामने आई थी। और देखिए हमने कुछ दिन पहले भी आरटीआई पे एक आर्टिकल डिस्कस किया था, एबीसी ऑफ आरटीआई, उसमें भी हमने बात की थी कि ये कितना अच्छा लॉ है, बट इसके जितने भी प्रोविजन है उसे प्रॉपरली ज़मीन पे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, या यूँ कहे कि वो कागज़ पर ही रह गए, और इसके वजह से ये प्रॉपरली हमें काम करते हुए नहीं नज़र आता है, बिकॉज इसका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए अभी रिसेंट न्यूज़ क्या है, देखिए ये लोगों ने एक सर्वे कंडक्ट किया है, इस सर्वे में ये जो आंकड़े बताते हैं कि 36% जो हमारी रूरल यूथ है ये हमारी कैपिटल का भी नाम नहीं जानती, ये ऐसी बातें सर्वे में सामने आई है। ये बातें तो सच में चौंका देने वाली है कि 36%। और देखिए दोस्तों जिस एज ग्रुप की ये बात कर रहा है, 14 to 18 ईयर, इस एज ग्रुप में इंडिया की 10% पॉपुलेशन आती है। तो आप सोचिए अगर हमारे 10% पॉपुलेशन में से 36 बच्चे यही नहीं जानते कि हमारी इंडिया की कैपिटल मतलब हमारे देश की राजधानी कौन सी है, तो कैसे इन्हें हम हमारे देश का भविष्य मान ले, किस तरीके से हमारा भविष्य अंधकार में है, ऐसी बातें भी फिर सामने आती है। देखिए ये काफ़ी कुछ आंकड़े ये आर्टिकल बताता है, छोटा सा आर्टिकल है कि देखिए गर्ल एजुकेशन में इतना परसेंटेज है, अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो देखिए ये सर्वे कंडक्ट किया था दोस्तों एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर ने, और इसे किया था प्रथम के द्वारा, ये किया गया था प्रथम की स्टडी थी जिसने टीनेजर्स पे फोकस किया था। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। देखिए ये एक मेगालिथिक इरा से रिलेटेड ये न्यूज़ है, कोचिकोड़ो नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो कि प्री आयरन एज की है, इस बात को इशारा करती है, वहाँ पे कफिन भी मिला है जिसमें, तो देखिए इस पर आप थोड़ा ध्यान रहने दीजिए कि ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यह है केरला का कोझिकोड़ो, यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें मिली है जो कि प्री आयरन एज के और से बिलोंग करती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्योंकि ये पूछ लेते हैं ये क्या मिला है, एक कफिन मिला है यहाँ पर, और आगे भी इसके बारे में न्यूज़ आएंगी, अगर PIB में आती है तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए ये जो ग्रासलैंड है पलनी हिल रेंज का, वहाँ पर जिस तरीके से ग्रासलैंड में वेस्टर्न घाट में जिस तरीके से डिक्लाइन हुआ है, इस पर ये बात करता है। देखिए अगर 1973 की हम बात करें तो जो शोला ग्रासलैंड था वो अक्रॉस 373 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था, बट अगर 2014 की हम बात करें तो ये सिर्फ 124 स्क्वायर मीटर तक ही सिमट कर रह गया है। तो इस तरीके से ग्रासलैंड में काफ़ी कमी हमें देखने को मिली है, टिम्बर प्लांटेशन और एग्रीकल्चर को एक्सपांड करना, इन ये सब रीज़न भी इसके पीछे हो सकते हैं। तो देखिए ये है वेस्टर्न घाट से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, और वेस्टर्न घाट न्यूज़ में आता रहता है, तो इसे भी आप नोट किया कीजिए वेस्टर्न घाट से, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। चलिए आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं दोस्तों 16 तारीख की कुछ न्यूज़ की, बिकॉज कल का वीडियो काफ़ी शॉर्ट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी समय की वजह से, बट आप बोलते भी नहीं हो उसमें कि आपको क्या क्या चाहिए, कमेंट आप किया करो ना, आप कमेंट कीजिए मैं उसे इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए फेस रिकॉग्नाइजेशन आधार के लिए बात की जा रही है, भाई ये क्यों किया जा रहा है, अभी बड़ा ही आर्टिकल हमने PDS के बारे में डिस्कस कर लिया है, उस पर हमने बात की है, ये जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस है इसमें काफ़ी डिफिकल्टीज सामने आ रही है, और ये कई जगह पे प्रॉपरली काम ही नहीं कर रहा है, और जिसके कारण दोस्तों बहुत समस्याएं लोगों को क्रिएट हो रही है, जैसे ये फिंगरप्रिंट को ही रिकॉग्नाइज नहीं करता, इस तरीके की बात है। तो देखिए अब इसका तोड़ हमारे गवर्नमेंट ने या द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये लाया है कि ये फेस रिकॉग्नाइजेशन फॉर आधार वैलिडेशन को लेकर आएंगे, और इसकी शुरुआत 1 जुलाई से होंगी। तो चलिए देख लेंगे ये देखते हैं कि ये क्या होता है और ये किस तरीके से उस समय काम करता है। अभी कुछ बातें बताई गई है कि OTP मतलब इसके लिए भी एक सिस्टम होगा प्रॉपरली वर्क करने का, बट ये फेस को रिकॉग्नाइज करेगा। तो चलिए फिर बायोमेट्रिक का जो बात हो गई फिंगरप्रिंट की, तो उससे कुछ अलग ये सिस्टम है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए दोस्तों ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की यहाँ पर बात की जा रही है, गवर्नमेंट का अब ये उद्देश्य है कि वो डिजिटल एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे हमारे कंट्री में। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने मंडे को एक रिजोल्यूशन पास किया है जिसमें वो चाहती है कि अब डिजिटल एजुकेशन पर वो फोकस करें, जिसके तहत दोस्तों जो आइडिया है डिजिटल
एजुकेशन का या यू कहे कि ऑपरेशन ऑफ डिजिटल बोर्ड का इसका मुख्य उद्देश्य ये रखा गया है कि प्रोवाइडिंग बेटर डिजिटल एजुकेशन इन ऑल स्कूल्स, हमारे सभी स्कूल में अच्छे से डिजिटल एजुकेशन को प्रोवाइड करना, ये इसका उद्देश्य है दोस्तों। 65th मीटिंग हुई थी, इसमें ये डिसीजंस लिए गए। और देखिए, इससे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए मौके मिलेंगे, या यूँ कहे कि हम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए रास्ते मिलेंगे सिखाने के भी और सीखने के भी। अब सिखाने के तो आप समझ सकते हो, जिस तरीके से यूट्यूब सामने है, काफ़ी अदर प्लेटफॉर्म है हमारे देश में जो उभर कर आ रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। अब हमारी गवर्नमेंट भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती और ये भी इसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती है अच्छे से स्कूल में, जिससे पढ़ना और पढ़ाना आसान हो जाए। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक सुंदरबन से रिलेटेड न्यूज़ है। सुंदरबन कहाँ है तो आप जानते हो कि सुंदरबन हमारे इंडिया और थोड़ा बहुत बांग्लादेश में के में भी आता है, और सुंदरबन बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए दोस्तों, दुनिया का ये 5th लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है सुंदरबन में। और ये न्यूज़ में इसीलिए है कि वहाँ पर जॉइंट काउंट किए जाएंगे टाइगर दोस्तों सुंदरबन में, इसलिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे PIB और ARI न्यूज़। अगर आपके कुछ सजेशन हो द हिंदू के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट तो हम अब ARI और PIB की स्टार्ट करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और कुछ मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि आप चाहते हो कि एडिटोरियल्स के अलावा भी हम दूसरी न्यूज़ पे बात करें। तो देखिए, आज मैंने इसकी कुछ न्यूज़ इंक्लूड की है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसमें, इन न्यूज़ को मैं मतलब इनका नंबर बढ़ते जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि हम इसे अच्छे से कंटिन्यू कर सके काफ़ी दूर तक। तो थैंक्स दोस्तों द हिंदू को देखने के लिए। आप कंटिन्यू करेंगे ARI और PIB को। चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं 16 जनवरी 2018 की AIR न्यूज़ अपडेट ऑल इंडिया रेडियो। पहले देखते हैं दोस्तों मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट। फर्स्ट अपडेट है आपके लिए, देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, भारत और इसराइल के बीच संबंधों में व्यापार और उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप जानते हो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ आए हुए हैं, और देखिए अब इनसे रिलेटेड मतलब हमारे और उनके बीच में जो कुछ होता है, नए MOU साइन होते हैं, ये सब खबरें अखबार में आती रहेंगी, तो आप इससे टच में रहिए। नेक्स्ट अपडेट आती है दोस्तों, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ के गठन की घोषणा की है। देखिए दोस्तों, 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के गठन की घोषणा की गई है, जिसे हेड करेंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी। नेक्स्ट न्यूज़ आती है दोस्तों, जहाँ पर देखिए केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य में सामान्य स्थिति कायम रखने के लिए शिक्षा को जरिया बनाने का निर्णय लिया है। तो एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा दोस्तों घाटी में। नेक्स्ट अपडेट आती है दोस्तों, देखिए देश के निर्यात में 12% से अधिक की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, तो हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मिड डे न्यूज़। जो प्रीवियस स्लाइड हमने देखी ये थी मॉर्निंग न्यूज़, तो फर्स्ट न्यूज़ तो आती है दोस्तों आपके लिए राजस्थान से। और देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में राज्य के पहले तेल शोधन संयंत्र के काम का शुभारंभ किया। कहा इससे बड़ी संख्या में रोज़गार मतलब बड़ी संख्या में लोगों का जीवन खुशहाल होगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है दोस्तों राजस्थान के लिए, और ये कहाँ पर है, बाड़मेर में, याद रखना आप। नेक्स्ट न्यूज़ आती है दोस्तों, जहाँ हमारे उच्चतम न्यायालय ने बालिक पुरुष और महिला के अंतरजातीय विवाह के खिलाफ खाफ पंचायतों के किसी भी हमले को पूरी तरह से गैरकानूनी बताया है। तो खाफ पंचायत से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों। आप बताइए कि खाफ पंचायत किसे कहते हैं, या जो वर्ड नॉर्मल पंचायत और वर्ड खाफ पंचायत में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट अपडेट हम देखते हैं दोस्तों, देखिए उच्चतम न्यायालय का महाराष्ट्र सरकार से न्यायाधीश न्यायमूर्ति BH लोहिया की मृत्यु से जुड़े सभी कागजात याचिकाकर्ताओं को सौंपने के निर्देश। तो जस्टिस BH लोहिया जी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, देखिए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने देश में चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया। चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ने मीसा भारती के खिलाफ धन संशोधन जाँच के सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव के दामाद राहुल यादव को समन जारी किया। देखिए हमारे लिए ये कुछ इतने इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्चुअली क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं।
श्रीलंका की नौसेना ने अपने जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में 16 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, 4 नौकाएं भी जब्त की। तो देखिए दोस्तों, ये आए दिन ये न्यूज़ आती रहती है, आप भी देखते होंगे कि उनके मछुआरे हमारे एरिया में आ जाते हैं, हमारे मछुआरे उनके उनके एरिया में चले जाते हैं। अगर आपको पता हो तो क्या आप बता सकते हो कि ये एरिया कहाँ से स्टार्ट होता है? ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मतलब हमारी जो कोस्ट लाइन है वहाँ से लेकर कितने किलोमीटर तक ये हमारा जो होता है वो हमारा जोन होता है, उसके आगे इंटरनेशनल वाटर स्टार्ट होता है, जिस तरीके का जो क्राइटेरिया है, क्या आप बता सकते हो इस बारे में कुछ, क्या आप जानते हो? नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, देखिए डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे कमज़ोर हुआ है, $1 $63.98 का बोला गया है। तो देखिए 63 रुपये या यूँ कहे कि 64 रुपये का $1। चलते हैं दोस्तों आगे, अब देखते हैं न्यूज़ एट नाइन जो कि लास्ट अपडेट होती है वेबसाइट पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी उसी खबर को प्राथमिकता दी गई है जिसकी हमने प्रीवियस बात की, जो कि है ऑयल रिफाइनरी से रिलेटेड। देखिए ये ऑयल रिफाइनरी राजस्थान की फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कुछ एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो देखिए गवर्नमेंट ने अबॉलिश की है हज सब्सिडी जो दी जाती थी हज यात्रियों को। और देखिए ये जो मनी है जो इस सब्सिडी के से मतलब जितना मनी सेव किया जाएगा, ये सारा मनी एजुकेशन पे यूटिलाइज किया जाएगा मुस्लिम गर्ल के। और देखिए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने जो महाराष्ट्र मतलब ये फिर से जस्टिस लोया जी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी, तो मतलब देखिए एक और ये दोनों न्यूज़ रिपीट हुई है। बाद में हम देखते हैं दोस्तों, ये रक्षा खरीद परिषद ने आक्रमण राइफलों और कार्बन की खरीद को मंजूरी दी ताकि सीमा पर तैनात सेना की ज़रूरतें तुरंत पूरी की जा सके। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि हमारी सेना से ये रिलेटेड है, ठीक है, और डिफेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो कि आई थिंक लास्ट अपडेट होगा इस स्लाइड पर, रॉजर फेडरर और मारिया शारापोवा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के दूसरे दौर में पहुँचे। ये भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बिकॉज कौन जीता इस तरीके से पूछ सकते हैं, कौन किस राउंड में पहुंचा, इसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए एक न्यूज़ को मैंने आपके लिए थोड़ा डिटेल में यहाँ पे लिया है, हमारी गवर्नमेंट ने अबॉलिश की है हज सब्सिडी को इस साल से। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इस साल 175,000 मुस्लिम यात्री हज करने के लिए जा रहे हैं, और देखिए दोस्तों विदाउट एनी सब्सिडी, और इन्हें किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएंगी। तो देखिए इस साल ये रिकॉर्ड नंबर है, अब तक इंडिया से ज़्यादा नंबर इसे कहा जाएगा, और पिछले 2 सालों से इसमें बढ़ोतरी हुई है, और देखिए जल्दी जल मार्ग से भी इसकी शुरुआत की जाएगी। तो हमारी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है इस दिशा में, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए पिछले साल भी ये कोटा बढ़ा था, हमारा कोटा सऊदी ने बढ़ाया था, इस साल भी कोटा सऊदी ने बढ़ाया है। और इस साल एक अदर न्यूज़ भी आई है, जो लेडीज़ जाना चाहती है विदाउट महरम वो भी जा सकती है, तो उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। और देखिए अब हज सब्सिडी की बात की जा रही थी, हज सब्सिडी अबॉलिश की गई है, बट इससे जो मनी बचेगा वो यूटिलाइज़ किया जाएगा एक अच्छे काम के लिए, ठीक है, वो यूटिलाइज़ किया जाएगा एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए, स्पेशली गर्ल और वुमन के, अगर हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की बात करें तो उनके लिए। तो दोस्तों ये न्यूज़ तो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, देखिए माइनॉरिटी को एम्पावर करने के लिए ये एक अच्छा कदम है। अगर हम इसके थोड़ा पीछे जाते हैं दोस्तों, तो 2012 में हमारे उच्चतम न्यायालय ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया था कि गवर्नमेंट हज सब्सिडी को अबॉलिश कर सकती है या स्टॉप कर सकती है, बट ये एकदम नहीं किया जाएगा, एक फेज्ड मैनर में किया जाएगा, और इन्हें टाइम पीरियड भी दिया गया था 10 साल, बट गवर्नमेंट ने अच्छा मुँह लेते हुए इसे जल्दी से इस डायरेक्शन में काम किया है। अगर हम देखें दोस्तों, तो कोर्ट हैड ऑल्सो आस्क द गवर्नमेंट सी दैट मनी इज़ यूज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी इन एजुकेशन एंड अदर इंडाइसेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। और कोर्ट ने साथ साथ दोस्तों ये भी कहा था कि उस पैसे का इस्तेमाल एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट के लिए किया जाना चाहिए। तो दोस्तों बस इतना ही था ARI न्यूज़ में। चलिए दोस्तों एक बार 16 जनवरी 2018 की PIB न्यूज़ अपडेट देख लेते हैं, इसके ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फर्स्ट अपडेट है आपके लिए, देखिए टोटल मिल्क प्रोडक्शन जो है हमारी कंट्री का, इसमें हमें ये इंक्रीज़ हुआ है। अगर इसकी तुलना हम करें 2016-17 के समर से 2017-18 के समर की, तो देखिए इसमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलती है। पहले ये था 51.33 मिलियन टन,
जो कि ये बढ़कर 53.77 मिलियन टन हो गया है। तो देखिए दोस्तों, 2 मिलियन टन की इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जो कि अच्छी न्यूज़ है। अगर हम टोटल मिल्क प्रोडक्शन की बात करें जो दोस्तों, तो इसकी जो रजिस्टर ग्रोथ है ये हमें 4.7% देखने को मिलती है। कुल दूध उत्पादन में 4.7% की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। बाद में एक प्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए 2016-17 में अगर हम रिपोर्टेड एक प्रोडक्शन देखें तो 88.1 बिलियन का था, तो काफ़ी बड़ा ये नंबर है। अगर इसकी 2013-14 की हम बात करें तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है एक प्रोडक्शन में, रजिस्टर्ड ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो ये 12.3% की हमें देखने को मिलती है। ये भी अच्छी न्यूज़ है। और देखिए 5 जो हाईएस्ट एक प्रोडक्शन स्टेट है हमारे कंट्री के, अगर उनकी बात करें तो उनमें देखिए इन 5 स्टेट्स का नंबर आता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। देखिए दोस्तों, ये अकादमिक पुरस्कार से रिलेटेड न्यूज़ है, जो कि कल दिए जाएंगे हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा। 43 जो कलाकार हैं इन्हें ये दिए जाएंगे। इसमें संगीतकार, नर्तक एवं थिएटर कलाकारों का समावेश है। आगे चलते हैं। देखिए अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं, कल ये जाएंगे गुजरात, वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये इस न्यूज़ के बारे में हम AIR में अच्छे से बात करेंगे, मतलब ARI में भी ये न्यूज़ आई हुई है। ये बाड़मेर में जो रिफाइनरी का ये हुआ है, शुभारम्भ हुआ है, उससे रिलेटेड है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, DCA ने भारतीय उद्योग जगत के जरिए रक्षा उपकरणों के विकास के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। 3,500 करोड़ रुपए के बराबर की असाल्ट राइफल एवं कार्बाइन की खरीद को मंजूरी दी गई है। देखिए दोस्तों, किसी भी कंट्री की जो मिलिट्री होती है, आर्मी होती है, ये स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ये मिलिट्री आर्मी स्ट्रांग होती है तो ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, तो देखिए इसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी में वहाँ की जो आर्मी होती है या मिलिट्री होती है वो कितनी पावरफुल है, ये बातें भी रोल प्ले करती है। तो चलिए, फॉरेन पॉलिसी में ऐसे कोई एक या दो पॉइंट आप बताइए जो कि इम्पैक्ट डाल सकते हैं, अगर हम एयर फोर्सेस की बात छोड़ दे तो इसके अलावा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आपके लिए अपडेट है। देखिए 16 जनवरी 2018 को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 65वीं बैठक हुई है। और नेक्स्ट न्यूज़ आती है दोस्तों एम्स से रिलेटेड। देखिए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी नई दिल्ली में अखिल भारतीय, मतलब जो एम्स है उसके 45 जो दीक्षांत समारोह को था उसे उन्होंने संबोधित कहा, और उन्होंने कहा कि जो एम्स हमारा है इसने गुणवत्ता प्रतिबद्धता और समृद्धि के अनुभव का दूसरा नाम है। चलिए, मिशन इंद्रधनुष की भी इन्होंने बात की गई है, मतलब इन्होंने सराहना की है मिशन इंद्रधनुष की। तो पहला मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि मिशन इंद्रधनुष किस से रिलेटेड है, और दूसरा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि कुछ दिनों पहले एक नया एम्स बनाने को हमारे मंत्रिमंडल ने, मतलब हमारे कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, वो एम्स कहाँ बनेगा, कौन से वो शहर है जहाँ पे वो एम्स बनाया जाएगा, उसका आप नाम बता सकते हो, और किस स्कीम के तहत वो एम्स बनाया जाएगा, या जितने भी एम्स के अभी काम चल रहे हैं वो मतलब उनके काम उस स्कीम के अंतर्गत चल रहे हैं, आपको उस स्कीम का नाम बताना है, कौन से शहर में वो एम्स, नया एम्स बनाया जाएगा जिसे कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दिया है, आपको वो बताना है, और मिशन इंद्रधनुष क्या है आपको वो भी बताना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ आती है लोह आयस के उत्पादन से रिलेटेड। देखिए कुछ खानों को बंद किया गया था, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उससे रिलेटेड ये बैठक थी, जो उड़ीसा की जो कंपनियां हैं उनकी प्रतिनिधियों कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मंत्री महोदय की। तो देखिए इसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये उत्पाद को बढ़ा सकते हैं, बट इसके लिए इन्हें पर्यावरण तथा जो सीमाएं बनाई गई है इसका पालन करना होगा, अगर इसके अंडर रह के ये काम करते हैं तो उत्पाद बढ़ाया जा सकता है। बाद में बात की जाती है दोस्तों मेगा कॉन्क्लेव की, जो कि रेलवे से रिलेटेड है। इस कॉन्क्लेव का नाम निर्माण संवाद रखा जाएगा, और देखिए इसका आयोजन करेंगे हमारी रेलवे PSU रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यह कॉन्क्लेव परियोजनाओं के क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली बाधाओं, अवरोधों पर चर्चा करने एवं बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव आमंत्रित करने का एक अवसर प्रदान करेगा। तो चलिए फिर हम भी आगे चलते हैं। अब ये एक न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप नोट ही कर लीजिए। मुझे लगता है कि देखिए तीरंदाज सुश्री गोहिला बोरो को खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना से 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। ओके, तो इन्हें 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है, ये एक तीरंदाज है। ओके, और देखिए कौन सी स्कीम के तहत दी गई है,
तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना के अंतर्गत इन्हें सहायता दी गई है। तो बस दोस्तों, पीआईबी में इतना ही था। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को टैप करें और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।